पूजा शाह है, वाइफ ऑफ नायक दीपक कुमार शाह, यूनिट 226 एएससी कंपनी। मैं अपनी जर्नी के बारे में बताना चाहती हूँ। मेरी जर्नी आवर्टे 2022 से स्टार्ट हुई। हमारे यूनिट का एक ग्रुप है जिसमें हमारी सीओ मैम ने मैसेज किया कि जिस भी लेडीज़ को जो भी आता है वो अपना स्टॉल लगा सकती है, वो मुझे बताए। मैंने सीओ मैम को मैसेज किया, मैंने कहा मैम मैं हुपाट करती हूँ, मैं ये अपना स्टॉल लगाना चाहती हूँ। मैम ने कहा पूजा आप लगाओ, हम आपका स्टॉल लगवाएंगे। तब मैंने आवर्टे पे अपना स्टॉल लगाया। मैं पहले कपल हुपाट करती थी जो कि मेरा यहाँ फ्रंट पे लगा हुआ है। इसके बाद मुझे मैसियो मैम ने कलर कॉम्बिनेशन और कुछ न्यू आइडियाज़ दिए हुप्स के, और बताया आवा की वेबसाइट के बारे में बताया, वहाँ रजिस्ट्रेशन के लिए बताया। फिर मैंने कहा रजिस्ट्रेशन आवा में करवाया। उसके बाद मैं कई जगह स्टॉल लगा चुकी हूँ, जैसे कि DLF मॉल में, पैसिफिक मॉल में, POI में। पैसिफिक मॉल में हमारी जनरल मैम, आवा प्रेसिडेंट मैम मिसेस अर्चना पांडे मैम हमारे स्टॉल पर आई थी। उन्होंने मेरे से ए अल्फ़ाबेट हुप भी खरीदा, जैसे मेरे पास ये एम बना है ऐसा ही ए था मेरे पास, वो मैम ने खरीदा। और उसके बाद फिर मुझे 10 पीसेस अल्फ़ाबेट हुप के ऑर्डर दिए। उसके बाद मैं कई ऑफिसर्स मैम के भी ऑर्डर कंप्लीट कर चुकी हूँ। और जब मैंने POI में अपना स्टॉल लगाया था तो मैंने एक नया डिज़ाइन बनाया डबल हुप का। ये दो अलग अलग हुप हैं जिसके अंदर मैंने ये कढ़ाई कर रखी है, और यहाँ पे हम किसी को गिफ्ट देने के लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने ये फ़ोटो लगाए रखा है, यहाँ पे फ़ोटो लगा के या फिर किसी का नेम लिख सकते हैं और ऐसे किसी को गिफ्ट कर सकते हैं। वैसे आप लोग एम्ब्रॉयडरी तो जानते ही होंगे, पहले लेडीज़ इसको बेडशीट पे, पिलो कवर पे और टेबल क्लॉथ पे करती थी, और मैंने क्या किया इसे एक डेकोरेटिव पीस की तरह यूज़ किया। इसे हम 4-5 हुप्स लेके एक वॉल के ऊपर अच्छे से डेकोरेट कर सकते हैं, वॉल डेकोरेट ऐसे यूज़ कर सकते हैं, किसी को गिफ्ट कर सकते हैं, इसका फ़ोटो फ्रेम बनवा सकते हैं, कैलेंडर बना के हम किसी को गिफ्ट कर सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं ये करती कैसे हूँ। सबसे पहले मेरे पास एक हुप है जो कि 4 इंच का है। हुप अलग अलग साइज़ के होते हैं, 4, 5, 6, सबसे बड़ा साइज इसका 14 होता है। ये 4 इंच का हुप लेने के बाद मैं एक फैब्रिक यूज़ करती हूँ जो कि ये केसमेंट का फैब्रिक है। इसको इसके अंदर मैं सेट करती हूँ। जैसे मैंने ये कर रखा है, ये करने के बाद मुझे जो भी बनाना होता है उसका मैं यहाँ डायग्राम बनाती हूँ। जैसे मैंने ये बना रखा है, अगर किसी की ड्राइंग अच्छी नहीं है तो इसका हम प्रिंट आउट निकाल के इसको हम प्रेसिंग भी कर सकते हैं। ये होने के बाद मैं इसको आउटलाइन करती हूँ, जो मैंने ड्रॉ कर रखा है उसकी आउटलाइन। ये आउटलाइन होने के बाद यहाँ पे मैंने रोजेज और ये लीव्स यहाँ बनाना है। जैसे मैंने ये बना रखा है रोजेज और लीव्स, ऐसे बनने के बाद ये पूरा कंप्लीट होने के बाद ऐसे फ्रंट लुक ऐसे आता है। अब मैं इसकी बैक फिनिश ऐसे करती हूँ, एक तरफ से सुई लेके इसको पूरा सर्कल करती हूँ, एक नॉट लगाती हूँ। ये बैक फिनिश होने के बाद मैं एक हैंडमेड शीट पेपर लेती हूँ, और मेरे पास एक फेवी बॉन्ड है जिसको मैं यहाँ यूज़ करके ये लगाने के बाद मैं इसको ऐसे इसको पेस्ट कर देती हूँ। ये पेस्ट होने के बाद ऐसे आता है, ये कंप्लीट मेरा हुप ऐसे रेडी होता है। वैसे हम इसे वेस्ट मटेरियल से भी बना सकते हैं, जैसे कि मैंने एक डेनिम जीन्स से बना रखा है। यहाँ पे ये लगा हुआ है, एक वेस्ट जीन्स थी और बटन थे, उसको यूज करके मैंने एक वॉल क्लॉक बना रखी है। और हम इस किसी ओकेजन थीम को लेके भी हम इसको बना सकते हैं। जैसे मैंने वुमेंस डे के लिए बना रखा है, यहाँ पे है, किड्स के रूम के लिए बना रखा है, यहाँ पे है। एक मैंने ये एम्ब्रॉयडरी से एक वॉच बनाई है, ये बना रखा है। मेरे पास एक वेस्ट कुर्ता था तो यूज करके मैंने ये बना रखा है। मैं यहाँ तक आना मेरे लिए इतना आसान नहीं था, पर मेरी मेहनत और हमारी सीओ मैम की हेल्प की वजह से ही मैं यहाँ तक आई। उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया और मेरी बहुत हेल्प करी है इस काम में यहाँ तक आने में। धन्यवाद, थैंक यू आप लोगों ने मुझे यहाँ आने का मौका दिया और अपनी जर्नी बताने का। धन्यवाद पूजा, उम्मीद कर